सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा और आज आपके सामने मूवी लेके आई हूँ किंग कॉन्ग, जिसे हम पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा पैकेज मान सकते हैं। तो बिना आपको प्रतीक्षा कराए चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने समय से, जहाँ एक लड़की होती है थिएटर आर्टिस्ट। उसके पास इतना काम नहीं होता है कि वो अपना खाना एक टाइम का भी खा पाए। वो एक बहुत ही अच्छी थिएटर आर्टिस्ट होती है जो कि लोगों को हंसाने का बखूबी काम करती है। उसका नाम होता है एन। अगले ही पल में हम देखते हैं कि उसके पास जो अपने लाइफ चलाने का आखिरी काम था एक थिएटर, वो भी अभी बंद करवा दिया गया है। वहीं अपने जिंदगी से परेशान एक आदमी दिखाया जाता है, मिस्टर कार्ल। वो होते हैं एक डायरेक्टर जो कि बहुत ही मतलबी और लालची किस्म का आदमी है। वो वहाँ पे अपने प्रोड्यूसर्स को एक नई पिक्चर के बारे में बताना चाहता है, जिसके बारे में वो कहता है कि आप इस पे इन्वेस्ट करिए और मैं एक बहुत ही अच्छी मूवी लाने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं वो अपने दिमागी संतुलन से हिला हुआ इंसान भी होता है, क्योंकि वो लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हाँ, इस दुनिया में अभी भी और भी ऐसी चीजें बाकी है जो कि तुमने अभी तक नहीं देखी है। कार्ल अपनी पिक्चर नेचर और एनिमल्स पे बनाता था। उसे अब एक नई जगह के बारे में पता चला होता है और उसी की फंडिंग के लिए वो अपने प्रोड्यूसर से बात करता है। सारे प्रोड्यूसर उसे कमरे में से बाहर निकालने के बाद सोचते हैं कि ये पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अगर हमें अपने बाकी के पैसे बचाने हैं तो हमें इसके बनी हुई पिक्चर्स को सोल आउट कर देना चाहिए। ये बात कार्ल सुन लेता है और वहीं से अपनी रील्स उठा के भागने लगता है। उसे अपनी आधी बची हुई पिक्चर पूरी करनी होती है, जिसमें पूरी तरीके से कंटेंट नेचर और एनिमल्स का रहता है। उस कहानी को वो एक ऐसे आइलैंड पे शूट करने वाला होता है जिसके बारे में शायद ही अब तक किसी को पता होगा। उसके डूबते हुए करियर को देखते हुए हर कोई उसकी कहानी में काम करने के लिए मना कर देता है, यानी कि अब उसके पास में कोई भी हीरोइन नहीं बची होती है। वहीं एन भी अपने काम की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसे एक दूसरे थिएटर का मालिक एक ऐसी जगह का पता देता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। कार्ल भी अपने हीरोइन को ढूंढने वहीं चला जाता है। उसे अपनी हीरोइन तो नहीं मिलती है, लेकिन उसकी मुलाकात एन से होती है। वो एन को अपनी कहानी के बारे में समझाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ उसे अपनी पिक्चर में काम करने के लिए भी ऑफर करता है। एन उसे सन की समझती है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है और इसी कारण वो कार्ल के साथ उस मूवी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कार्ल बस जल्दी से जल्दी सभी को शिप पे सवार होने के लिए कहता है और साथ ही साथ उसके कैप्टन को कहता है कि तुम्हें इसे चलाने के मैं $1,000 दूंगा। कोई उसकी जल्दबाजी समझ नहीं पाता है। उसे अपनी कहानी के लिए एक राइटर की तलाश थी, साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग हीरो की भी। वहाँ हमारी मुलाकात होती है जैक से। जैक एक ऑथर होता है जो कि स्क्रीन प्ले और बुक्स लिखता है। वो जैक को भी अपने साथ इसी शिप में सवार कर लेता है और जल्द से जल्द उस बोट को वहाँ से रवाना करने के लिए तैयारी करता है, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए पुलिस वारंट लेके पहुँच चुकी होती है। अगले सीन में एन मिलती है शिप के बाकी क्रू मेंबर से। कार्ल अब अपने पिक्चर के रिकॉर्डिंग के लिए नए नए सीन शूट करना स्टार्ट कर देता है। अभी तक वो सब लोग शिप पे ही होते हैं। अब इस समय कार्ल कैप्टन से बात करता है कि हाँ, हमें उसी आइलैंड पे जाना है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। कैप्टन का शौक वाइल्ड एनिमल कैच करने का भी होता है, इसलिए कार्ल उसे ऑफर करता है कि तुम्हें भी उस आइलैंड पे चलना चाहिए, शायद तुम्हें भी वहाँ जाके मुनाफा ही हो। कुछ ही समय में शिप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां वो रास्ता अभी नहीं देख पा रहे होते हैं। वो सभी लोग रास्ता पता करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो तारों की मदद लेते हैं और हम देखते हैं कि उस जगह पे अब तारे दिखने भी बंद हो चुके हैं। शिप को संभालते हुए कैप्टन आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। चट्टान चट्टान, यानी कि आगे पीछे सामने की तरफ अब उन्हें चट्टानों का सामना करना पड़ रहा है। अब कैप्टन अपना रास्ता वहां से मोड़ने की सोचता है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाता है और कहीं ना कहीं उसकी शिप भी डैमेज होने लगती है और तभी वो जाके टकराता है एक बड़ी सी चट्टान के सामने। उस चट्टान से टकराने के कारण वो शिप वहीं अटक जाती है। कार्ल कहीं ना कहीं यही चाहता था, क्योंकि कैप्टन ने पहले मना किया होता है कि हम उस आइलैंड पे नहीं जाएंगे, वहाँ जाना सिर्फ और सिर्फ खतरे को बुलाना है, लेकिन फाइनल उनको वहाँ जाना ही पड़ता है। वो सभी शिप को वहीं रोक के छोटी छोटी बोट तैयार करते हैं और उनमें वहाँ निकल जाते हैं। बोट पे सिर्फ और सिर्फ अभी कार्ल उसके क्रू मेंबर के साथ निकलता है। शिप के वहाँ अटकने के कारण कैप्टन अपने साथियों को वहाँ जाने के लिए मना कर देता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ से इसे निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात सुन के कार्ल वो बात बिल्कुल इग्नोर कर देता है और अपनी एक बोट तैयार करके अपने क्रू मेंबर के साथ में वहाँ से निकल पड़ता है। कैप्टन और उसके साथियों को मालूम होता है कि उस आइलैंड पे कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो इंसानों को एक बार वहाँ जाने के बाद वापस लौटने नहीं देती है। कार्ल अपने कैमरे के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ देखते ही देखते वहीं रहने वाले आदमखोर लोग, जो कि बहुत ही गंदा मेकअप किए हुए होते हैं, आप लोगों के सामने आ जाते हैं। जिनका मेकअप किया हुआ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये लोग मुझे बहुत हॉरर लगते हैं। और ये सभी लोग कार्ल के क्रू पे अटैक कर देते हैं, दूसरे मेंबर्स को पकड़ लेते हैं।
क्रू मेंबर्स को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है और उन्हें दिखता है कि उनके एक साथी के पेट में भाला लग चुका है और दूसरे की गर्दन ये लोग उड़ा चुके हैं। काल के सभी मेंबर्स को उन आदिवासियों ने पकड़ लिया होता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि कैप्टन ले आता है अपनी सारी फौज को। वहाँ पे गन फायरिंग होती है और सभी कबीले वाले वहाँ से भाग जाते हैं। सभी अपनी जान बचा के पहुंच जाते हैं वापस शिप पे, लेकिन कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। वो अपने साथ उठा ले आते हैं एन को। ये सारे आदिवासी लोग भी वही बलि प्रथा को फॉलो करते हैं और ये अपने आइलैंड पे अपनी रक्षा करने वाले कॉन्ग को इसकी बलि देने वाले होते हैं और उसे रेडी कर देते हैं कॉन्ग का निवाला बनने के लिए। और कुछ ही देर में शिप पे रहे लोगों को भी ये बात का मालूम चल जाता है कि एन यहाँ से गायब है। सभी वापस आइलैंड पे जाते हैं एन को लेने के लिए। वहाँ आइलैंड पहुँचने से पहले काफी देर हो गई थी और वहाँ पे एक बहुत बड़ी भयानक आंखों के साथ में एंट्री लिए कॉन्ग आता है और कॉन्ग अपने साथ एन को ले जाता है। जैक के कहने पे सभी एन को ढूंढने के लिए उसके साथ निकल पड़ते हैं। सभी चलते चलते थकने के कारण एक जगह वेट करते हैं, लेकिन कार्ल अपने कैमरे के साथ लिए कहीं नहीं रुकता था। उसे जहाँ कोई अच्छा नजारा मिलता था वहीं वो शूटिंग स्टार्ट कर देता था। वो कुछ ही दूर पे आगे चल के अपने कहानी के हीरो यानी कि बक्स्टर को कहता है कि तुम आगे जाओ और उसे आगे देखने को क्या मिलते हैं, हमारे सबसे एंशियंट एनिमल्स यानी कि डायनासोर। उनकी इस बेवकूफी ने डायनासोर का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया होता है और डायनासोर पलक झपकते ही उन लोगों के पीछे बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। वहाँ पे बैठे सभी आराम करने वाले लोगों की तो नींदें उड़ जाती है और वो बस वहाँ से भागना शुरू करते हैं। उन बड़े बड़े डायनासोर्स के बीच में कुछ छोटे छोटे डायनासोर्स भी थे जो कि इंसानों को तो बिल्कुल खाना ही चाहते थे। वो डायनासोर एक के पीछे एक भागने लगते हैं और वो रेस इतनी तेज होती है कि उनके बीच में एक क्रू मेंबर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इसी के बीच हम एक सीन देखते हैं कि कॉन्ग इतना बड़ा जानवर था कि वो काफी तेजी से भागता और उछल रहा था, लेकिन हमारी नन्ही सी एन इतना कुछ नहीं झेल पाई। एन उस समय पे बेहोश हो जाती है। कॉन्ग उसे एक जगह रख देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। एन की आंखें खुल जाती है और उस समय वो अपने सामने पाती है किंग कॉन्ग को जो कि दूर कहीं बैठा होता है। एन वहाँ पे कॉन्ग की नजर चुरा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही साथ में कॉन्ग उस पे नजर रख रहा होता है। एन उसकी आंखों से बच के वहाँ से निकल भागती है। कॉन्ग को इस बात पे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ ही लेता है। इस टाइम पे एन समझ जाती है कि अगर कॉन्ग को मुझे हार्म करना ही होता तो अब तक कब का मुझे खा चुका होता, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। और वहीं पे वो सोचती है कि कॉन्ग इतना भी बुरा नहीं है, शायद मैं उसके सामने कोई प्ले करूं तो वो मुझे छोड़ दे। और यहाँ पे वो अपने थिएटर के स्किल्स दिखाती है। ये कहानी का बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ पे वो कॉन्ग के सामने अलग अलग तरीके की एक्टिंग करती है, उसे हंसाने की, जगलिंग की। कॉन्ग ये सब देख के बहुत ही खुश होता है और हंसने लगता है, मानो एक इतने बड़े जानवर को एक छोटे से इंसान ने अपने ही अकॉर्डिंग बांध लिया होता है। कॉन्ग इतना खुश हो जाता है कि जैसे एक चाबी भरा गुड्डा बस चलता ही रहे। कहीं ना कहीं एन ये प्ले करके थक जाती है और कॉन्ग को मना कर देती है कि नहीं, मैं अब और नहीं नाचूंगी। कॉन्ग एक छोटे बच्चे की तरह रोड के साइड में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक की पूरी टीम एन को ढूंढने में अपना पूरा समय निकाल रही होती है। एक समय ऐसा आता है कि उनके सामने ही किंग कॉन्ग खड़ा होता है और वो सभी उस पे फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के कारण किंग कॉन्ग को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके सामने रखे पेड़ पे जिससे वो सभी क्रू मेंबर आए होते हैं उसे पलट देता है। मौका देख के एन वहाँ से भाग निकलती है। एन वहाँ पे पहुँच जाती है डायनासोर्स के बीच में। एक के बाद एक डायनासोर उसको पकड़ने के लिए इधर उधर बस भाग ही रहे होते हैं। एन एक पहाड़ी से लटक के गिरने ही वाली होती है और वहाँ पे पहुँच जाता है कॉन्ग उसे बचाने के लिए। अब हमारे सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन डायनासोर के साथ में कॉन्ग अकेला फाइट कर रहा होता है। कहानी का ये सबसे थ्रिलर मोमेंट होता है जब वो सभी गिर पड़ते हैं एक बड़ी सी खाई के बीच में जहाँ पे बहुत सारी टहनियाँ एक के बाद एक लटकी हुई मिलती है और वो खुद एक टहनी से लटक के बच जाती है और उसके आमने सामने उसे मिलते हैं डायनासोर्स। कॉन्ग डायनासोर्स को मारने की कोशिश करता है। वो डायनासोर्स इतने ढीठ थे कि मरते टाइम भी उन्हें एन चाहिए थी और वो एन की तरफ जैसे ही लपकते हैं सभी के सभी एक साथ नीचे गिर जाते हैं। और अब हम देखते हैं एक खुले मैदान में डायनासोर एन और किंग कॉन्ग को। एन पीछे छुप जाती है किंग कॉन्ग के और वहाँ फाइट होती है खुले मैदान में किंग कॉन्ग और डायनासोर की। किंग कॉन्ग अब अपने फुल पावर के साथ में उस डायनासोर को पकड़ता है, गिराता है और उसका मुंह पकड़ के खोल देता है पूरा का पूरा, और आखिर में जाते जाते उसके जबड़े के साथ में खेलना भी शुरू कर देता है और चेक करता है कि कहीं डायनासोर अभी भी जिंदा तो नहीं है। एन को लगता है कि वो इस डायनासोर से बच के जा भी सकता था, लेकिन नहीं, वो मेरे लिए रुका और मुझे उसने बचाने की पूरी पूरी कोशिश की। साथ ही साथ उसे अब ये भी पता चल जाता है कि वो किंग कॉन्ग उससे गुस्सा भी है अभी तक। जैक और उसके कुछ साथी जो कि मरे नहीं थे और अभी भी जिंदा थे,
सभी वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वहां पे बेनाम बदसूरत जानवर फिर से निकल पड़ते हैं। कुछ उड़ने वाले कीड़े, कुछ पानी वाले कीड़े जो कि इन इंसानों को खाना चाहते हैं। जिमी एक छोटा लड़का जिसे गन चलानी नहीं आती थी, फिर भी वो करेज करके वहाँ बैग में से रखी गन निकालता है और जैक को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि आखिर में अब वो दो ही जने बचे होते हैं। वहाँ पे वो पानी वाले कीड़े बचे हुए लोगों को निगल जाते हैं। देखते ही देखते उनके ऊपर काफी जानवर एक साथ हावी हो जाते हैं और साथ ही साथ पीछे जो बचे कैप्टन और उनके क्रू मेंबर्स हैं वो सभी इन लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। कैप्टन इस समय भी जैक और बाकी के लोगों को वार्निंग देते हैं कि अभी भी यहाँ से निकल पड़ो, एंड अब जिंदा नहीं बची होगी। जैक उनकी बात नहीं मानता है और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। कार्ल कैप्टन को बताता है कि एन अभी तक नहीं मरी है, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ किंग कॉन्ग अपने साथ में एन को ले आता है एक पहाड़ी की बहुत ही ऊंची चट्टान पे, जहां से वो सनसेट देख रहे होते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन। एन अब थकने के कारण किंग कॉन्ग के हाथ पे ही सो जाती है। किंग कॉन्ग उसे जगाने की भी कोशिश नहीं करता है। जैक अपना रास्ता बना ही लेता है एन को ढूंढने के लिए और वो चट्टानों के रास्तों को पार करके एन के पास पहुंच जाता है। वो एन को उठाता है और कहता है चलो हमें चलना है। उसी समय किंग कॉन्ग की आंखें खुल जाती है और किंग कॉन्ग सोचता है कि ये लोग एन को मुझसे दूर ले जाएंगे, और देखते ही देखते एन वहां से चली जाती है। किंग कॉन्ग को लगता है जैसे कि एन को उससे कोई बहुत दूर ले गया है। वो एन को वापस पकड़ता है और अपने पास में ले आता है, लेकिन उसके आसपास बहुत ही सारे चमगादड़ उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इतनी ही देर में जैक और एन वहां से निकल पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कार्ल एक बहुत ही मतलबी और लालची किस्म का आदमी था। वो चाहता था किंग कॉन्ग को कैद करना। उसे पता था कि एन के पीछे पीछे वो किंग कॉन्ग जरूर आएगा। जैक और एन अब पहुंच जाते हैं किनारे पे। किनारे की वो बड़ी सी दीवार के बीच में से जैक और एन तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो दीवार इसीलिए बनाई गई थी ताकि उस आइलैंड पे रहने वाले कोई भी जीव वहां से बाहर नहीं निकल पाए। किंग कॉन्ग एन को पाने के लिए वो दीवार भी उस दिन पार कर जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। शिप में बैठे सभी लोगों ने प्लानिंग करी होती है बहुत ही शानदार किंग कॉन्ग को पकड़ने की। वो वहाँ पे बड़े बड़े जाल बिछा चुकी होती है, साथ ही साथ शिप में रखे सारा क्लोरोफॉर्म भी वो लोग बाहर ले आते हैं कि जैसे ही कॉन्ग बाहर आएगा हम उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म डालेंगे, साथ ही साथ फायरिंग करेंगे और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। किंग कॉन्ग को वो जाल किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते थे। इतने बड़े क्रीचर को एक जाल रोकना बहुत ही हंसी मजाक वाली बात लगती है। एन को वो दूर जाता देख पागल हो जाता है और वो सारे के सारे जाल तोड़ देता है। सभी वहां से निकलने के लिए बोट में सवार हो ही चुके होते हैं। किंग कॉन्ग जैसे ही पास आने लगता है वो किंग कॉन्ग के ऊपर क्लोरोफॉर्म की बोतलें फोड़ देता है और साथ ही शिप का कैप्टन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। किंग कॉन्ग अपने आंखों के सामने से एन को जाते हुए देख रहा था, वो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही साथ एन भी सभी को मना कर रही थी कि इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये बहुत ही अच्छा जानवर है, यानी कि वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था। और वही इतना बड़ा जानवर ह्यूमंस की बेवकूफी के कारण बेहोश हो जाता है। कार्ल जो कि एक बहुत ही घटिया आदमी था, अपनी प्लानिंग में कामयाब होने के बाद अपने शहर में पहुंच पड़ता है और एक बहुत ही बड़ा शो ऑर्गेनाइज करता है। वो किंग कॉन्ग के लिए एक एग्जीबिशन वाला हॉल तैयार करता है, मानो कि किंग कॉन्ग कोई चीज है और उसे सभी लोग देख के तालियां बजाएंगे। वो शहर के सबसे बड़े थिएटर को बुक करता है। इस बात को पता चलने के बाद कि शहर में एक बहुत ही बड़ा क्रीचर लाया गया है, सभी लोग उसे देखने के लिए कार्ल की हर टिकट खरीद लेते हैं। वो ही प्रोड्यूसर्स कार्ल के शो में पहुंचते हैं जो पहले कार्ल को पागल कहा करते थे। जैक एन से प्यार करता था, इसी कारण उसने एन के लिए एक फनी बुक लिखी थी, क्योंकि एन थिएटर प्ले करती थी। जैक वहाँ किंग कॉन्ग वाले शो में नहीं गया होता है। कार्ल वहां बड़ी सी स्पीच के साथ में वो शो स्टार्ट करता है। कॉन्ग अब भी बेहोशी की हालत में ही वहां पे बैठा होता है। इस समय वो किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत नहीं कर रहा होता है। जैक को फील होता है कि उसे इस समय पे एन के पास होना चाहिए था, इसलिए वो भी कार्ल के ही शो में पहुंच जाता है और वो देखता है कि कैसे कार्ल सारा का सारा क्रेडिट मिस्टर बक्स्टर को दे देते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे अपने कदम पीछे ले लिए थे एन को ढूंढने जाने के समय पे। अब कार्ल वहाँ कहता है सभी ऑडियंस के सामने कि देखिए कैसे ये इतना बड़ा जानवर एक लड़की के वश में है। किंग कॉन्ग के सामने एक लड़की लाई जाती है, वो एन नहीं होती है। ये देख के किंग कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और अब वो एन को ही ढूंढने लगता है।
इतने गुस्से में होने के कारण वो अपने हाथ में बंधी बड़ी बड़ी लोहे की सलाखों और बेड़ियों को तोड़ देता है और थिएटर में बैठी पब्लिक की तरफ पहुंच जाता है। सारी पब्लिक वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगती है। उसी समय उसकी नजर पड़ती है जैक पे। मानो वो जैक को उठा के पूछना चाहता है कि एन कहाँ है। पूरा थिएटर तोड़ के किंग कॉन्ग अब शहर की तरफ बढ़ जाता है। छोटी छोटी गाड़ियां मानो खिलौनों की तरह उससे भिड़ रही थी। एक के बाद एक सारी गाड़ियां आपस में भिड़ रही थी और कॉन्ग कुछ गाड़ियों को उड़ा उड़ा के हवा में फेंक रहा था। वहां पे भाग रही हर सफेद बाल वाली लड़की को वो उठा के देख रहा था कि क्या ये एन है। उसी टाइम जैक उसे शहर से बाहर ले जाने की प्लानिंग करता है और वो कार में बैठा उसकी नजर अपनी तरफ खींच ही लेता है। अब किंग कॉन्ग जैक के पीछे भागता है काफी तेजी से और एक टाइम आता है कि किंग कॉन्ग के सामने खड़ी होती है एन। किंग कॉन्ग एन को अपने सामने देख के मानो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहता था कि आखिर वो कहाँ चली गई थी उसे छोड़ के। किंग कॉन्ग उसे शहर से काफी दूर ले जाता है। शहर की इतनी ठंड के कारण वहाँ पे बहता पानी भी अब बर्फ बन चुका था और उसी बर्फ पे किंग कॉन्ग अब एक बच्चों की तरह लोटपोट रहा था। उसने ऐसी बर्फ में शायद ही कभी खेला होगा, साथ ही साथ एक ह्यूमन के साथ तो पहले कभी नहीं। वो वहाँ पे गोल गोल घूमता है, वहाँ पे लेट जाता है और एन के साथ बर्फ में खेलता है और यहाँ पे पूरी पहुंच जाती है पुलिस फोर्स। किंग कॉन्ग फिर से एन को बचाते हुए वहां से भागता है और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चला जाता है। वो एन को इस टाइम पे भी अपने पास में रखना चाहता है। इतनी ऊंची बिल्डिंग पे नीचे से फायरिंग करना तो इम्पॉसिबल था और हेलीकॉप्टर्स के बीच में फायरिंग का सीन बहुत ही ज्यादा ऑसम दिखाया जाता है। प्लेन घूम घूम के किंग कॉन्ग को बहुत ही बुरी तरीके से फायर कर रहे होते हैं। एन भी पीछे नहीं हटती है और वो भी पहुंच जाती है किंग कॉन्ग के पास में। वो हेलीकॉप्टर्स को इशारा करती है कि फायरिंग मत करिए, फायरिंग मत करिए, नो नो के साइन के साथ में वो चिल्लाती है। किंग कॉन्ग इतने घायल होने के बाद में भी एन को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। एक समय पे सारे प्लेन उसके सामने आने की बजाय सभी के सभी पीछे से किंग कॉन्ग के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से फायरिंग करते हैं। एन उसे टच करती है, आगे बढ़ती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये ह्यूमंस इसे कभी भी जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। वहां पे हम देखते हैं इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन और वो 100 माले की बिल्डिंग से नीचे आके गिर जाता है। वहीं शहर के बाकी सभी लोग उसके ऊपर ऐसे खड़े होते हैं कि मानो जैसे उन्होंने मार गिराया हो इस बड़े से जानवर को। और कहानी के अंत में कार्ल वहीं पे ये डायलॉग मारता है कि इसे गोलियों ने नहीं मारा है बल्कि इसे हुस्न ने मारा है। इससे हम समझ सकते हैं कि जानवर भी इंसानों से बहुत प्यार करते हैं। और वहीं पे वो बड़ा सा जानवर खत्म हो जाता है। यहीं पे होती है ये बहुत ही खूबसूरत कहानी की एंडिंग। आप सब लोगों को कैसी लगी ये मूवी मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ गाइज कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं भी अपनी डेडिकेशन के साथ में आप लोगों के लिए बहुत सारी मूवीज लाती रहूंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।